इसी किताब ने 50 टॉप दलित का एक टाइटल देकर आजकल डिजिटल मीडिया में अपना प्रचार प्रसार किया हुआ है। उसमें जो फोटो हैं या नाम हैं, वो लोग बड़े मंत्रमुग्ध हैं, बड़े प्रसन्न हैं, अपनी अपनी प्रचार में लगे हुए हैं। कहते हैं देखो आपके भाई का भी नाम है इसमें, देखो काम को सराहा गया तो अच्छा लगता है, देखो हमें किसी ने मान दिया, सम्मान दिया, देखो हमें लोग पूछने लगे। ये जो 50 टॉप लोग हैं, जाहिर सी बात है कि किताब ने छाटा होगा तो इनको बुद्धिजीवी माना होगा, अकलमंद माना होगा, मगर ये जो अकलमंद लोग हैं, क्या वास्तव में अकलमंद हैं या इनकी अकल बंद है? इनको समझ में नहीं आ रहा कि किताब ने इनको दलित घोषित किया है। दलित, दलित कोई ग्लोरीफाई शब्द आज के समय प्रचलित नहीं है। बाबा साहब ने कोई दलित वलित शब्द नहीं दिया। दलित एक गाली की तरह शब्द होता है, एब्यूज है। ये जो किताब है, इसने इन 50 बुद्धिजीवी लोग, जिनको ये बुद्धिजीवी मानते हैं, इनको ये घोषित किया है कि ये बुद्धिबंद लोग हैं और ये दलित हैं, दबे हुए हैं, कुचले हुए लोग हैं। क्योंकि अगर आप बुद्ध की फिलॉसफी में जाएंगे या वचन में जाएंगे, तो बुद्ध कहते हैं कि अगर किसी को मारना हो, 10 मौत के कारण बताए हैं उन्होंने, मार, मेरा वीडियो देख सकते हैं मार का, उसमें एक कारण है प्रशंसा, प्रशंसा, प्रसिद्धि। यानी किसी को अगर मारना हो तो उसकी झूठी प्रशंसा और झूठी प्रसिद्धि में अगर वो आ जाए तो वो मारा जा सकता है। कहते हैं जिसकी प्रसिद्धि करके मारा जाता है, टांगा जाता है, उसे कोई बचाने वाला होता नहीं है। आप अगर फिल्मी कलाकारों को देखेंगे या जो सेलिब्रिटीज़ हैं, तो वो इतनी प्रसिद्धि पा जाते हैं कि बुढ़ापे में अपने मुंह छुपा के घूमते हैं। जब नाकामयाब होते हैं तो कई बार सुसाइड भी कर लेते हैं, आत्महत्या भी कर लेते हैं। कोई आदमी इन दबे कुचले लोगों को अचानक से टॉप में क्यों गिनेगा और टॉप में भी गाली दे रहा है? सोचने वाली बात है। अगर मेरे पास कोई फ़ोन आता और मुझसे ये कहता कि हम आपको दुनिया का सबसे नीचे का स्थान देते हैं बुद्धिस्ट होने का, तो मैं उसको धन्यवाद करता, क्योंकि वो मुझे बुद्धिस्ट कह रहा है या बुद्ध का अनुयायी कह रहा है या डॉक्टर अंबेडकर का अनुयायी कह रहा है, तो वो अपने आप में एक चमकदार चीज़ है। दुनिया मानती है उनको, लोहा मानती है उनका। अगर उनका अनुयायी या उनका नाम अगर मेरे साथ जुड़ता है तो मेरे लिए सम्मान की बात है, चाहे सबसे नीचे के पायदान पर ही हो। मगर इसमें सवाल ये उठता है कि कोई मुझे देगा तो मैं उससे प्रसिद्धि लूंगा भी क्यों? क्योंकि मैं क्या इतना नाकाबिल हूं कि मैं किसी की प्रसिद्धि का, या कोई मुझे मान्यता दे या कोई मुझे माने, और ख़ासतौर से वो मुझे माने जिसने कभी मुझे माना ही नहीं है, जो कभी मुझे मान्यता देना ही नहीं चाहता है, मैं उससे मान्यता क्यों लूंगा? मैं उससे मान्यता की भीख क्यों मांगूंगा? अगर वो मुझे धम्म में सबसे नीचे का पायदान दे या ऊंचा भी दे, तो मैं क्यों लूंगा उससे? क्या मैं इतना कैपेबल नहीं हूं या क्या मैं इतना क्षमतावान नहीं हूं? मैं तो अपने 50 लोगों को, 1000 लोगों को खुद मान सम्मान देने के काबिल हूं। मैं अपने पूरे समाज को सम्मान देने के काबिल हूं। कोई मुझे सम्मान की भीख दे और मैं उसे लेके चलाऊं और उसका मगन हो जाऊं और खुश हो जाऊं। और यहां तो दलित बोला है दलित, गाली बोला है गाली। कैसे लोग हैं बुद्धिजीवी, समझ में नहीं आता। फूले नहीं समा रहे हैं, किताब को लिए लिए घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं किताब का। यही तो किताब का उद्देश्य है कि आपको हम गाली भी देंगे और आपसे हम अपना काम भी करवाएंगे, अपना प्रचार भी करवाएंगे। दलित शब्द जब कहीं चलता ही नहीं है और किताब एक मैगजीन छाप रही है, अरे तो बुद्धिहीन लोगो, बुद्धिबंद लोगो, थोड़ा तो सोचो, थोड़ा तो समझो। बाबा साहब अंबेडकर का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए हो, पूरे दिन अंबेडकर अंबेडकर करते रहते हो, पूरे दिन बाबा साहब कहते हो, और सोच को कहाँ रख के आते हो? चूल्हे में, भट्टी में, अंगीठी में, कूड़े में। तुम इसी लायक हो कि तुमको दलित दलित कह के बुलाया जाए, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि बंद है। बेशक तुम
किसी पायदान पे हो, बुरा लगे तो जवाब देना जरूर, क्योंकि दलित शब्द तुम्हें मिला है और दुख उन सारे लोगों को हो रहा है जो ये समझ रहे हैं कि इस प्रसिद्धि के पीछे कितनी बड़ी गाली दी है पूरे समाज को, बाबा साहब अम्बेडकर को, उनकी जयंती पर, उनके अप्रैल के महीने पर। 322 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं, आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदल कर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Singam Sirunam Gacchami.